दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 6 जुलाई से खोलने लगेंगे शिक्षण संस्थान, जानिए क्या है सरकार के गाइडलाइन। जी हां, बिहार में शर्तों के साथ बाजार खुलने के बाद अब सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्देश देगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है, बच्चों की जान जोखिम में डालकर हम स्कूल नहीं खोलेंगे। 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी। दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक, और तीसरे चरण में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं शुरू की जाएगी। स्कूल के लिए शिक्षण संस्थानों के विशेष गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। एक दिन में केवल 50% विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति होंगे, शेष 50% अगले दिन आएंगे। कोरोना प्रोटोकॉल का हर जिलों में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में 30 सितंबर तक वाहनों के जुर्माना में छूट, लैप्स कागजातों के रिन्यूअल में भी नहीं लगेगी पेनल्टी। जी हां, आगामी 30 सितंबर तक लैप्स वाहनों के कागजात पर जुर्माना नहीं देना होगा और न ही इनके रिन्यूअल में कोई पेनल्टी राशि लगेगी। 1 फरवरी 2020 से लैप्स हुए सभी वाहन कागजात और सर्टिफिकेट पर लागू होगा। पहले जुर्माना से छूट की यह अवधि 30 जून तक थी, जिसे परिवहन विभाग ने अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो अपने लैप्स कागजातों को रिन्यूअल नहीं होने को लेकर परेशान थे। अब 30 सितंबर तक ना तो उनसे वाहन कागजात के लैप्स होने के एवज में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लिया जा सकता और ना ही वाहन कागजातों का रिन्यूअल कराने में कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे सभी कागजात जो 30 सितंबर से पहले लैप्स करेगी उनकी वैधता 30 सितंबर तक के लिए मान्य होगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में जान गंवाए बिहार के प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मुआवजा, जाने किन दुर्घटनाओं में मिलेगी यह अनुदान राशि। जी हां, बिहार से बाहर देश विदेश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत अगर कोरोना काल में हुई है तो श्रम संसाधन विभाग उनके परिवार को बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ देगा। इसके लिए परिजनों को राज्य में किसी भी RTPS काउंटर से इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों के खाते में RTGS के माध्यम से पैसा निश्चित समय पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शगत, सांप काटना, पानी में डूबना, आग, पेड़ एवं भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत्यु के बाद प्रवासी श्रमिक को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से 3 माह के लिए बिहार में बालू खनन पर रोक, अक्टूबर से सरकार लागू कर सकती है नई व्यवस्था, बढ़ सकती है कीमत। जी हां, बिहार में आगामी 1 जुलाई से 3 माह के लिए बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके बाद राज्य सरकार प्रदेश में बालू खनन को लेकर नई दरें लागू कर सकती है। इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल बालू खनन के लिए निर्धारित दर सितंबर माह तक ही वैध है। अगली बड़ी खबर, बिहार में गाड़ी चलाने से पहले ट्रेनिंग देने की तैयारी, 38 जिलों में खोलेंगे 76 ड्राइविंग स्कूल। जी हां, बिहार में जब सड़कें अच्छी बनी तो सड़क हादसे अचानक तेजी से बढ़ गए। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में हर साल करीब 7000 लोगों की मौत राज्य में सड़क हादसे में हो जाती है। इसे देखते हादसों में कमी लाने को लेकर बिहार सरकार मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नौसिखिया वाहन चालकों को पहले से ही कुशल प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में कुल 76 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। पटना के पुलवार शरीफ में राज्य पथ परिवहन निगम के नव निर्मित कैंपस में भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बन रहा है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए बाद कटिहार, रोहतास और कैमूर में सिविल वर्क चल रहा है।
बड़ी खबर है, बच्चों को मिलेगी कोरोना के वैक्सीन। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 12 से 18 साल के लिए टीका जल्द। जहां देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक राहत वाली खबर है, बच्चों को कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द ही कोरोना वैक्सीन आ जाएगी। जायडस कैडिला की तरफ से 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के अंत तक यह देश में उपलब्ध हो जाएगी। बिहार सरकार का आदेश, सरकारी स्कूलों में मौजूद रहे सभी शिक्षक और स्टाफ उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण बच्चों को स्कूलों में नहीं बुलाया जा रहा है, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों की अनुपलब्धता को लेकर विभिन्न स्कूलों की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोग स्कूल के प्राचार्यों को इस मुद्दे पर हरी झंडी दे दी है। सरकारी आदेश में स्कूलों में नहीं आने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले कोविड-19 के 185 नए संक्रमित मरीज, रिकवरी दर 98.38 के पार। जी, बिहार की जनता के लिए यह काफी राहत वाली खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले 24 घंटे के भीतर 200 के नीचे घिसक चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मात्र 185 राज्य में नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि अभी तक संक्रमण के मामले में पहले पायदान पर चल रहा राजधानी 15 नए संक्रमित मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक चुका है। पहले पायदान पर 16 नए मरीजों के साथ समस्तीपुर और पूर्णिया को चिन्हित किया गया है। वहीं अन्य जिलों की बात करें तो वैशाली में 12, सहरसा में 6, मुजफ्फरपुर में 11, मधुबनी में 10, मधेपुरा और मुंगेर में 3, किशनगंज में 7, दरभंगा में 11, जहानाबाद में 1, भोजपुर में 2, बेगूसराय में 3, अररिया में 4, बांका में 2, गया में 6 नए संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर, राज्य में गंडक, बूढ़ी गंडक सहित सभी नदियों में उफान, बगहा शहर पर खतरा, पलायन करने लगे लोग। जी हां, उत्तर बिहार के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से सभी नदियां एक बार फिर से उफान पर है। गंडक और बूढ़ी गंडक के साथ ही अब बागमती भी रौद्र रूप धारण करने लगी है। गंडक में लगातार पानी बढ़ने से पश्चिमी चंपारण के बगहा शहर पर खतरा बढ़ने लगा है। बगहा के कई मोहल्ले से करीब पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं बूढ़ी गंडक में तेजी से पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में परेशानी लगी है। पिछले 24 घंटों में दर्जन भर से अधिक नए मोहल्लों में पानी घुस गया है। लोग तेजी से बांधों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। फिलहाल सबसे खराब स्थिति पश्चिमी चंपारण के बगहा की है। शहर के पारस नगर और अग्रवाल वाटिका सहित दर्जन भर से अधिक मोहल्लों के लोगों को बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ बागमती में पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 24 से 48 घंटे में बारिश का अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार के राजधानी पटना सहित दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी मध्य, उत्तर मध्य और उत्तरी पश्चिम भागों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। इसके प्रभाव से बारिश और तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में लोगों को अलर्ट किया गया है कि इस मौसमी घटना से आम लोग सावधान रहे, जिससे कोई जनहानि ना होने पाए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 1-2 स्थानों पर वज्रपात के साथ आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट किया है। वहीं उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, सिवान और समस्तीपुर में 1-2 स्थानों पर बारिश के साथ आकाशीय बिजली का अलर्ट किया है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में भी बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट किया गया है। दक्षिणी पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, महुआ, जहानाबाद और अरवल में भी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। वहीं दक्षिणी मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट है। वहीं दक्षिणी पूर्व बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी मौसम विभाग ने वज्रपात और बारिश के साथ तेज हवा का अलर्ट किया है। बड़ी खबर, मगध विद्यालय में स्नातक में आवेदन के लिए तिथि बढ़ाई और 15 दिन का दिया समय। जी हां, मगध विद्यालय में स्नातक पार्ट 1 सत्र 2021-24 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित कर
10 जुलाई तक कर दिया गया है। इसके पूर्व 25 जून तक की आवेदन की तिथि तय थी, अब 26 जून से 10 जुलाई तक के लिए विस्तार दिया गया है। ऐसे में उन छात्रों को लाभ होगा जो आवेदन देने से वंचित रह गए थे। अब उन्हें अतिरिक्त और 10 दिनों का समय मगध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया है, यानी अब 10 जुलाई तक स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन जमा किया जा सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, बिहार के कई विश्वविद्यालयों में अभी परीक्षा के आसार नहीं, नामांकन को लेकर संशय बरकरार। जी हां, पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षा को लेकर कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण लगातार लॉकडाउन का बढ़ना, कॉलेज नहीं खोलने और परीक्षाओं पर सरकार के द्वारा रोक लगी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनमें आगे जब नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी उसको लेकर संशय की स्थिति है। छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि अगर उनकी परीक्षा समय पर नहीं हुई तो जब नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो वे क्या करेंगे। ये सभी छात्र इस प्रश्न का हल खोज रहे हैं लेकिन उन्हें जवाब मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठन लगातार सभी छात्रों को CBSE व ICSE की तर्ज पर प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में आज से होगी कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई, जानिए क्या है तैयारी। जहां बिहार के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पहली बार सोमवार से पढ़ाई शुरू होगी। पहली से पांचवी कक्षा के बच्चे डीडी बिहार पर यह पढ़ाई 28 जून से आरंभ करेंगे। अपराह्न 3 से 5 बजे तक दूरदर्शन पर यह पाठशाला चलेगी। 3 से 4 बजे तक कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों के लिए, जबकि 4 से 5 बजे तक 1 घंटा कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों के लिए शिक्षक उनके पाठ्यचर्या से जुड़े पाठ पढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को चिराग की बड़ी चेतावनी, पशुपति पारस को LJP कोटे से मंत्री बनाया गया तो कोर्ट जाएंगे, कहा खुलकर सामने आए जदयू भाजपा। जहां लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर मंत्री बनाया गया तो वे कोर्ट जाएंगे। चिराग ने कहा कि पशुपति पारस को मंत्री बनाना है तो वे स्वागत करेंगे, बशर्ते कि बीजेपी या JDU के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाए। और अंत की बड़ी खबर, आज से चलेगी राजेंद्र नगर बांका और जयनगर भागलपुर इंटरसिटी। जहां राजेंद्र नगर बांका इंटरसिटी और जयनगर भागलपुर इंटरसिटी स्पेशल का परिचालन सोमवार यानी आज से शुरू हो जाएगा। इन दोनों ट्रेनों में बुकिंग शुरू हो गई है। 29 जून को ये दोनों ट्रेनें भागलपुर से क्रमशः राजेंद्र नगर और जयनगर के लिए रवाना होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि 6 जुलाई से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सबसे पहले किसको खोलना चाहिए, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।